संतरे का जूस या संतरा खाना सबको अच्छा लगता है क्योंकि उसकी खुशबू बेहद अच्छी होती है, इसलिए उसकी कोल्ड ड्रिंक भी सबको बहुत पसंद है। पर आज मैं ना जूस बनाऊंगी ना और कोई डिश, आज मैं बनाऊंगी संतरे के छिलके का मुरब्बा जो खाने में मजेदार है और इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शबीना, मैं आपका शबीना जी के किचन में वेलकम करती हूँ। मुरब्बे के लिए मैंने लिया है फ्रेश संतरा, इसे मैं इस तरह से कट लगा के काट लूंगी कि उसका छिलका सही तरह से उतर जाए, क्योंकि हमें संतरा और छिलका दोनों की जरूरत पड़ेगी। आप इसे ज्यादा दिन या साल रखना चाहते हैं तो आप संतरों को कुछ देर नमक के पानी में डाल दें, फिर उसका छिलका इसी तरह उतार लें। अब हम सारे छिलकों को ऐसे कट कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। संतरे के बीज निकालकर हम उसे भी काट लेंगे और मिक्सी जार में डालकर उसे पीस लेंगे और इसे छानकर इसका जूस निकाल लेंगे। गैस पर एक बर्तन में एक बड़ा कप पानी डालकर उसमें हम कटे हुए छिलकों को लगभग 5 मिनट तक उबाल लेंगे और उसके बाद उसे 2 से 3 पानी से अच्छे से वाश करेंगे। अब एक पैन में 1 कप चीनी और 1 कप पानी ऐड करेंगे और संतरे का जूस भी उसमें ऐड कर देंगे। चीनी पानी जूस को अच्छे से मिला लें, फिर सारे कटे हुए संतरे के छिलकों को डालकर लगभग इतना पकाना है कि चीनी गाढ़ी हो जाए। संतरों का ये मुरब्बा बहुत ही टेस्टी होता है और बच्चे तो इसे बहुत पसंद करेंगे। तो लीजिए, तैयार है संतरों का मुरब्बा। आप इसे रोटी, ब्रेड, नान या ऐसे ही खा सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खा पियो, खुश रहो।